तुम्हें किसने कहा था कि तुम सेट अलमारी के ऊपर रख दो, लॉकर में रखने का समझाया? तुम्हारी अकल में बात आती ही नहीं है, मैके जाने की जल्दी पड़ी रहती है, आराम मिलता है ना वहाँ पे, कोई काम नहीं करना पड़ता। कौन लेके गया होगा? मासी ही लेके गई होगी, सो रही थी ना तुम कल पड़ी हुई, उठाया होगा उसने अपने शौहर को, बुलाया होगा, ऊपर से कैच करा दिया होगा, यही होता है ड्रामों में भी। फिक्र नहीं करो, अब हमने भी बड़े ड्रामे देखे, आज निकलवाता हूँ उससे तुम्हारा सेट। अरे देगा, उसका बाप भी देगा, क्या बात कर रही हो तुम? ये काला जोड़ा पा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। साड़ी पर मैं, हेलो एक्सक्यूज मी, तुमसे बोल रहा हूँ मैं, अंदर कैसे आई तुम? साहब दरवाजे से आई हूँ, और कैसे आई हूँ? अच्छा दरवाजे से, मुझसे ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है। दरवाजा खोला कैसे ये बताओ? दरवाजा चाबी से खोला, और कैसे खोला? चाबी, इसका मतलब चाबी पहले से बनवाई हुई थी। जरा बैठो, जरा बात करनी है मुझे तुमसे कुछ। अरे ऊपर नहीं नीचे बैठो, मालिक के बराबर में बैठोगी क्या? तुमने चाबी उठा के साबुन पे लगाई और साबुन ले जाके डुप्लीकेट चाबी बनवा ली। साहब मैंने कोई डुप्लीकेट चाबी नहीं बनाई, वो तो बाजी ने मुझे दी थी, कहा था मैं सो रही होती हूँ, मेरी नींद डिस्टर्ब होती है, तुम बैल बजाती हो तो मैंने दरवाजा खोल के ऊपर आ जाती हूँ और सफाई करके चली जाती हूँ। मैं क्या बात कर रहा हूँ, अभी तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। मुझे ये बताओ कि कल कितने बजे आई थी? साहब जितने बजे रोज आती हूँ उतने बजे ही आऊंगी ना। डोंट बी स्मार्ट, मुझे टाइम बताओ कितने बजे आई थी। टाइम हो रहा होगा कोई 1:05। अच्छा 1:05, इसका मतलब टाइम पक्का याद किया हुआ है, पूरा प्री प्लानिंग है। ये बताओ कि पहले किसके कमरे की सफाई की थी? बाजी सो रही थी तो मैंने बच्चों का कमरा साफ कर लिया। ओके, तो पहले बच्चों के कमरे की सफाई की गई ताकि जांच लिया जाए कि बाजी की नींद कितनी गहरी है, और उसके बाद यकीनन तुमने बाजी के कमरे की सफाई की होगी। हाँ साहब बाजी का किया था, लेकिन आपको कैसे पता? मुझे कैसे पता, सीआईडी का नाम तुमने सुना होगा, क्राइम पेट्रोल का भी सुना होगा, ये दोनों ड्रामे मेरे फेवरेट हैं, और केस सॉल्व हो चुका है। बच्चे कमरे में खेल रहे थे, मैं ऑफिस में था, बाजी गहरी नींद से सो रही थी, सामने 12 तोले का सेट पड़ा हुआ था, तुमने मौके का फायदा उठाया, अपने शौहर को फोन किया, शौहर बाइक पे आया, सेट उठा के उसको इस गर्ली से कैच कराया, उसने अपनी कमीज में दबाया और छू मंतर हो गया, और आज तुम इसलिए आ गई क्योंकि हमारा शक तुम पे ना जाए। शब्बीर तो देखेगा, ड्रामा भी मेरा फेवरेट था। साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे शोर की कसम मैंने कोई सेट नहीं उठाया। अब तुम कहोगी कि साहब अगर आपको मुझ पे शक है तो आप मेरे घर चलें, मेरे शोहर की चेकिंग कर लें, मेरी चेकिंग कर लें, मुझे पुलिस में दे दें, और मैं कसम खाने को तैयार हूँ। मैं ये बताओ तुम नीचे क्यों बैठी हो, ऊपर बैठो ना, और ये बताओ कि जूस पियोगी या कढ़ाई, मैंने अपने हाथों से बनाई आज। नहीं साहब मैं कुछ नहीं कहूंगी, आप ये अच्छा नहीं कर रहे हो, आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, मैं आपकी कितनी पुरानी मासी हूँ और आप ये पीछे क्या देख रहे हो बार बार? अच्छा तो सेट पीछे रखा है और आप वो देख रहे हो, आपने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है, किसी के ऊपर इल्जाम लगाना ना अच्छी बात नहीं होती, और आप मेरी बात कान खोल के सुन लो, हर मासी एक जैसी नहीं होती, आप साहब लोगों का यही मसला है, घर से कोई चीज गायब होती है तो यही कहते हैं कि साहब मासी लेके गई होगी। साहब मासियों का भी दिल होता है, हम भी दिल रखते हैं, हर मासी एक जैसी नहीं होती, और मैं चोर नहीं हूँ, और अब मैंने ये फैसला कर लिया है साहब मैं आपके घर पे काम नहीं करूंगी। अरे देखो मासी, ये काम छोड़ने की बात तो नहीं करो ना, अगर तुम काम छोड़ दोगी ना तो मेरी बेगम सारा काम मुझसे करवाएगी। साहब मेरी सलाह रिश्ते के 1 मिनट की इजाजत दीजिए थी कि मैं यहाँ रुकूं, मैं काम छोड़ के जा रही हूँ। अरे मासी 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 बे फैसल ऑफिस नहीं गया आज? अबे नहीं यार, आज मूड नहीं था मेरा, टोपी करा दी बॉस को, मैंने कहा तबीयत खराब है बॉस। भाई अगर कमीनेपन की अवार्ड सेरेमनी होती ना, सारे अवार्ड ये भाई ले जाते। ओ भाई करना पड़ता है ऐसे, अगर रोज रोज जाना शुरू कर दूंगा तो आदत खराब हो जाएगी उन लोगों की। लेकिन तेरी सैलरी? बस सैलरी का क्या है, वो तो वैसे भी कटनी है, किसी ना किसी बहाने से काट। बॉस चुप रहना। अस्सलाम वालेकुम बॉस। जी बॉस। जी जी बॉस, हाँ तबीयत बॉस अभी बस दवा ली है, नज़ला भी बहुत हुआ है बॉस, और खांसी हुई भी है ना। हाँ बॉस मैं कोई करूँगा बॉस कि मैं कल आ जाऊँ ना, असल में वायरल फीवर है ना बॉस, तो ये किसी और को भी लग जाता है बॉस। अच्छा कल भी नहीं आऊँ?
अच्छा मतलब कल भी नहीं आऊँ ना बॉस? ठीक है बॉस, थैंक यू बॉस, थैंक यू। कितना कमीना बंदा है यार तू। इनकी बेगम को अगर ठीक भी आ जाए तो ये छुट्टी कर लेते हैं, और अगर हम छुट्टी कर ले तो 10,000 सवालात करना शुरू हो जाते हैं, सैलरी काट लेते हैं। भाई बॉस जुल्म करते हैं लोग। मैं तो कहता हूँ एक ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए जो बुलाए एक एक बॉस को और पूछे तुमने किस किस एम्प्लॉय के साथ जुल्म किया है। ओए फैसल, क्या हो गया? अबे बॉस की कॉल लगी हुई है। हेलो बॉस। यू आर फायर्ड। बॉस वो मैं कह रहा था। बॉयज देखिए, पूरी शॉर्ट फिल्म शूट हो चुकी है, सिर्फ प्रोमो रह गया है, और ये प्रोमो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं बात को? और इसमें क्या है, कबूतर का सीन। कबूतर एक ही दफा उड़ सकता है, और कबूतर नहीं है क्योंकि बैड लाइट हो रही है। कबूतर लेने जाएंगे तो ये प्रोमो नहीं हो सकता, समझ रहे हैं आप? तहसीन आप खास तौर पे, आपने टाइम पे कबूतर उड़ाना है। और आप इबाद, जैसी मैं पहली क्यू दूंगा इबाद चल पड़ेगा, स्लोमो वॉक दे रहा होगा दूसरी क्यू पे, तहसीन आप कबूतर उड़ा देंगे, समझ गए? रेडी एक्टर, आप रेडी है? यस रेडी। यस, कैमरा रोल पर है, ऑडियो? यस सर। ठीक है, 1 2 3 क्यू रन। क्या बोला था यार मैंने तुम्हें? कबूतर उड़ाया। अबे कबूतर तो उड़ाना है, कौन सी क्यू पे? क्यू पे बोला था आपने? सेकंड क्यू पे बोला था, ऐसी तैसी फेर दी, प्रोमो शूट ही नहीं कर रहा मैं। चलो यार बैक अप। अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, आपका होस्ट फैसल इकबाल प्रोग्राम सच सच और सिर्फ सच के साथ आपके साथ हाजिर है। यहाँ हम खड़े नॉर्थ कराची के एरिया में, 11C2 का ये एरिया है। यहाँ के मुकामी किसे जानते हैं कि सामने इतना कचरा हो रहा है, ये लोग कैसे यहाँ पे रह पाते हैं? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मुझे ये बताइए कि आपके घर के आगे इतना कचरा हो रहा है, आप लोग किस तरह रह पाते हैं? भाई कचरा करने वाला कौन है? कौन है? हम ही है ना, हम कर रहे हैं कचरा। एक मिनट कट करेंगे यार, देखें इतना सच नहीं बोलना है, समझ रहे हैं? मैं चाह रहा हूँ कि मेरा प्रोग्राम जो है ना वायरल हो, वायरल। देखें आजकल इलेक्शन भी चल रहे हैं, तो आप क्या करें, आप सिर्फ गवर्नमेंट को हर चीज़ का ब्लेम दें, गवर्नमेंट की वजह से रोडें टूट गई, गवर्नमेंट की वजह से कचरा हो गया, गवर्नमेंट की वजह से पानी हो गया, ठीक है? तो यहाँ के मुकामी से जानते हैं कि ये किस तरह से रहते हैं, जी बताइए जनाब। भाई ये सारा कचरा ही गवर्नमेंट ने किया है, ये नाले जो भरे हुए ये भी गवर्नमेंट ने भरा है, सारी गंदगी जो शहर में है बस गवर्नमेंट की वजह से है, सारा मलबा सब गवर्नमेंट ने किया। देखें यार लोग कितना परेशान है, ये गवर्नमेंट बिल्कुल काम नहीं करती है। अगर ये कचरा यहाँ से उठाना शुरू कर दें, रोडें बना दें, लोग खुश हों, पीस ऑफ माइंड के साथ रहें, हमारे पास बेसिक्स ही नहीं है, बाहर मुल्कों में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। खैर मिलेंगे आपसे नए प्रोग्राम में, जब तक के लिए अपने होस्ट फैसल इकबाल प्रोग्राम सच 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 और सिर्फ सच के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू यार। भाई वीडियो वायरल है, मशहूर हो जाओगे, ऑटोग्राफ देने पड़ेंगे। ज़बरदस्त हो गया यार ये बात, आजा। अलर्ट, आज की वीडियो भी वायरल होगी। क्या रिजल्ट आया है यार, सच सच और सच के साथ। शॉट चेक करता हूँ कैसा है। ये आवाज क्यों नहीं आ रही, स्पीकर में चेक करता हूँ। शिट यार, माइक तो ऑफ था यार, बंद ही होता है मेरे साथ।